प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खटलापुरा घाट पर कश्ती पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। पूरा वाकया सुबह 4:30 बजे का है। कुछ लोग कश्ती पर सवार होकर गणपति का विसर्जन कर रहे थे, तभी कश्ती के पलटने से हादसा हो गया। हालांकि 6 लोगों की जान बचा ली गई। सरकार ने महलुकीन के अहलखाना को 11 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो भोपाल में विसर्जन के दौरान 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई, 6 लोगों को बचा लिया गया। सुबह करीब 4 बजे यह हादसा पेश आया। आपको बता दें कि नाव के जरिए गणपति विसर्जन किया जा रहा था, इसी दौरान नाव पलट गई और नाव डूबने के चलते 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई। भोपाल में विसर्जन के दौरान 11 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मूर्ति को पानी में छोड़ा गया। इसी दौरान कश्ती डगमगाई और मूर्ति के दूसरी तरफ बैठे लोग पानी में गिर गए और डूबने लगे। इस दौरान अफरा तफरी मच गई, चीख बुखार होने लगी। जो लोग तैरना जानते थे वो बाहर आ गए। इनकी तादाद 6 थी, लेकिन 11 लोग डूब गए, उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। सीएम कमलनाथ ने इस वाकये की मजिस्ट्रियल जांच के हुक्म दिए हैं। सीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार लवाहकीन के साथ है, उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। सीएम कमलनाथ ने लवाहकीन को 11 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। भोपाल के एक खटलापुरा घाट पर हादसे के बाद अब कार्रवाई की भी बातें की जा रही हैं। भोपाल नगर निगम के मेयर आलोक शर्मा ने हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि जांच में जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मेयर ने नगर निगम की तरफ से हादसे में मरने वालों के अहलखाना को 2-2 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया है। मेयर आलोक शर्मा से बात की हमारे रिपोर्टर शैलेंद्र सिंह ने। गणेश विसर्जन के दौरान भोपाल में एक बड़ा गंभीर हादसा हुआ है और उस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, 6 लोगों को उसमें बचा लिया गया। हमारे साथ भोपाल के मेयर आलोक शर्मा जी हैं। सर, क्या जानकारी मिली है प्रथम दृष्टया, क्या किस तरह की लापरवाही रही है, कैसे हादसा हुआ है? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। इस दुखद घटना में पूरा शहर के साथ, पूरा शहर उन परिवारजनों के साथ में है। ये घटना रात्रि को 3:30 और 4 बजे के बीच में हुई। नगर निगम के हमारे पूरे गोताखोर वहाँ पे उपस्थित थे। जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की थी और जो 3:30 और 4 बजे के बीच में जो हादसा हुआ है, इसमें संख्या ज़्यादा थी, जिसके कारण 11 लोगों को हम बचा नहीं पाए, 6 लोगों को हमारे गोताखोरों ने बचाया है। और भविष्य के अंदर इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार के आने वाले समय में हम लोग समुचित प्रबंध करेंगे। नगर निगम भोपाल की ओर से मैंने जो परिवार के सदस्य इसमें डूबे हैं, जिनकी मौत हुई है, उन परिवारजनों को हम 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा मैं करता हूं। भविष्य में मैं युवाओं से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला समय दुर्गा पर्व का है, दुर्गा जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं ना बनाएं, POP की प्रतिमाएं ना बनाएं। और समय जो दुर्गा जी विसर्जन का भी है या मूर्ति विसर्जन का भी जो समय है, उसकी भी एक निर्धारित समय के ऊपर होना चाहिए। देर रात्रि को इस प्रकार का विसर्जन ना होना चाहिए, इस व्यवस्थाओं को हम सुनिश्चित करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी जवाबदेही हम फिक्स करेंगे। पूर्व CM ने भी ट्वीट किया है, कहा कि कहीं ना कहीं लापरवाही है, इतना बड़ा हादसा अगर टाला जा सकता था, अगर थोड़ी सी व्यवस्था और बेहतर होती क्या लगता है? मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसमें जवाबदेही होंगे उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे भोपाल मेयर आलोक शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। खबर अब दिल्ली से। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण या आलूदगी से निपटने के लिए एक बार फिर ऑड इवन पॉलिसी नाफिज होगी। दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के बीच ऑड इवन निजाम लागू होगा, मतलब दिल्ली में 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी, जबकि 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को ऑड नंबर वाली गाड़ियां दिल्ली में चलेंगी।
पराली के प्रदूषण से निपटने के लिए 7 पॉइंट एक्शन प्लान है। सबसे पहला इसमें कंपोनेंट है 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जाएगा। 4 नवंबर से, 2 और 3 को सैटरडे संडे है, 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में ऑड इवन लागू किया जाएगा। ऑड इवन के बारे में जो स्टडीज हुई हैं वो ये दिखाती हैं कि लगभग 10 से 13% इसकी वजह से पोल्यूशन कम होता है। नहीं, अभी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो नया रिंग रोड बनाया उससे दिल्ली का प्रदूषण काफी कम हुआ है, और मेरे अंदाज से हम 2 साल के अंदर जितने 50,000 करोड़ के रोड मई मेरे विभाग से बन रहे हैं, यमुना जल शुद्धिकरण और वायु शुद्धिकरण दोनों की योजनाएं चल रही है, 2 साल में दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, उनका फैसला तो वो कर सकते हैं। बढ़ते बुलेटिन में आगे, कश्मीर पर बौखलाया पाकिस्तान, मुसलसल हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश रच रहा है। नेपाल में 7 मुश्तबा पाकिस्तानियों के दाखिल होने से नेपाली पुलिस और सिक्योरिटी अफसरान हरकत में आ गए हैं। वीरगंज में देखे जाने के बाद उन्हें गिरफ्त में लेने के लिए मुसलसल छापेमारी की जा रही है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक ये सभी हिंद नेपाल खुली सरहद से हिंदुस्तान में घुसकर बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। मुश्तबा के नाम आजम खान, गुलबत खान, शाह खान, फिरदौस खान, मोमिन खान, अर्शला खान और बाज खान है। खबर है कि रक्सौल बॉर्डर से सटे वीरगंज में इन मुश्तबा ने ISI के स्लीपर सेल के साथ अलग अलग मीटिंग्स भी की हैं। हालांकि इनके पासपोर्ट की कॉपी और जानकारी सामने आने के बाद सभी अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहीं सरहद पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। SSB हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रख रही है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जमीयत उलमा हिंद ने अपनी जनरल काउंसिल की मीटिंग में तजवीज पास की है कि किसी भी तरह की अलहदगी पसंद तहरीक मुल्क और कश्मीरियों के खतरे से कम नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर और NRC के मुद्दे पर सरकार के साथ है। अगर हमारे कश्मीरी मुसलमान ना होते तो सारी दुनिया ने शोर मचा दिया था कि जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस है, ये खामोश रहते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर बार बार मुंह की खाने वाले पाकिस्तान के PM इमरान खान की जब कहीं नहीं चली तब तक हार कर इमरान ने कश्मीर मुद्दे पर मुस्लिम कार्ड चला। इमरान को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान में अकलियतों के नाम पर फेंका गया उनका सियासी कार्ड ट्रंप कार्ड साबित होगा, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इमरान और पाकिस्तान परस्तों पर बड़ा तमाचा मारा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बता दिया कि वो अटूट हिंदुस्तान चाहते हैं। हमारा दुश्मन, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, साफ साफ कहूँ, पाकिस्तान दुनिया भर को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ कि भारत से तुम लड़ो लड़ो, लेकिन ये कि भारत के मुसलमानों को इसमें एक पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है, हम इसको कंडम करते हैं। भारत का मुसलमान कोई तीसरी पार्टी नहीं, भारत का मुसलमान भारतीय है, भारत के साथ है अपने देश। हिंदुस्तान के मुसलमानों की तंजीम जमीयतुल उलेमाए हिंद ने तजवीज पास कर साफ साफ लफ्जों में बयां कर दिया कि कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और सभी कश्मीरी हमारे भाई हैं। तंजीम ने कहा कि कोई भी अलहदगी पसंद न केवल मुल्क बल्कि कश्मीर के लोगों के लिए नुकसानदेह है। जमीयतुल उलेमाए हिंद की जनरल काउंसिल की मीटिंग में ये कहा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने मुल्क के साथ हैं और रहेंगे। मुसलमानों को पार्टी बनाने की पाकिस्तान की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क रहेगा, ये हमारा देश है। देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी दोनों चीजों पर कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। जमीयतुल उलेमाए हिंद ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले को हिमायत के अलावा NRC के मुद्दे पर भी मरकजी हुकूमत की पीठ थपथपाई। आसाम में तो NRC तो होना हमारा क्या चाहिए, वो तो हो ही रही, लेकिन जो रह गए हैं हम उनको भी लाने के लिए हमारी टीम लगी हुई है, वहाँ पहले से लगी हुई है। जमीयत ने साफ किया है कि कोई भी अलहदगी पसंदों के एहतजाज न केवल मुल्क बल्कि कश्मीर के लोगों के लिए नुकसानदेह हैं।
इसीलिए मुल्क का मुसलमान किसी भी सूरत में खुद को सियासत का मोहरा बिल्कुल नहीं बनने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जमीयतुल माहिंद की जनरल काउंसिल की मीटिंग में वतन परस्ती पर जोर दिया गया, जिसमें कई समाजी तालीमी इश्यूज पर जोर दिया गया। हालात आजरा के सवाल पर तंजीम ने कहा कि यह मुल्क हमारा था, हमारा है और आखिरी सांस तक हमारा रहेगा। इस मौके पर पाकिस्तानी हरकतों को नाकाबिले बर्दाश्त बताते हुए मौलाना महमूद मदनी इमरान खान को भी खबरदार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुल्क के वकार, सलामती और सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जमीयत के मिशन का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी बुनियाद ही मुकम्मल आजादी के लिए रखी गई है, जिसे कांग्रेस ने तकरीबन 10 साल बाद ऐलान किया। मौजूदा हालात के सबब तंजीम ने मुल्क में जमीयत सद्भावना मंच बनाने का फैसला किया, जिसके जरिए पहली बार गैर मुसलमानों को इसमें शामिल किया जाएगा। बढ़ते आगे, मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक वो जिंदा हैं, मगरबी बंगाल में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी नाफिज नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को भी इंतबाह देते हुए कहा कि एनआरसी के मुद्दे पर बीजेपी आग से न खेले। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने कोलकाता में पैदल मार्च निकाला। ममता बनर्जी बीजेपी को आगाह करती नजर आई कि वो एनआरसी के नाम पर आग से न खेले। टीएमसी के जुलूस में ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के कई बड़े लीडरान, वजीर और कारकुन भी शामिल हुए। टीएमसी का कहना है कि बंगाल के अवाम रियासत में एनआरसी नाफिज नहीं होने देगी। इससे पहले एनआरसी के खिलाफ तृणमूल ने 7 और 8 सितंबर को जिलों में एहतजाज किया था। वहीं मगरबी बंगाल के बीजेपी सदर दिलीप घोष ने कहा है कि ममता हुकूमत 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्याओं को बचा रही है। घोष के मुताबिक, हम मगरबी बंगाल में एनआरसी नाफिज करेंगे, दरअंदाजों को बाहर करेंगे। We are not implementing because it's a very harsh also. These motor vehicles act I cannot implement right now because our opinion is our government officials. All the government officials and the qualification taking bodies, their opinion is that if we implement it, it will be very overburdened to the people. वहीं गुजरात को 2023 तक अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का तोहफा मिल जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंसूबे की इजाजत के लिए 17,000 करोड़ की मुतवक्का राशि मिली है और इसके लिए 80% लैंड एक्विजिशन का काम भी नवम्बर तक पूरा हो जाएगा। इस मंसूबे में लैंड एक्विजिशन के लिए गुजरात के टोटल 158 गांवों से जमीन की जरूरत थी, जिसमें से सिर्फ 15 गांव के किसानों ने लैंड एक्विजिशन की मुखालफत की थी। जनूबी गुजरात में इस मंसूबे की सख्त मुखालफत की गई। इस मामले में गांव में 53% जगहों पर 4 गुना कीमतों पर लैंड एक्विजिशन का काम किया गया है। और आपको बता दें कि आंझानी अरुण जेटली को जुमेरात को फिरोजशाह कोटला में खराज अकीदत पेश किया गया। दिल्ली क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले अरुण जेटली को खराज अकीदत पेश करने के लिए अमित शाह, टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री, क्रिकेटर विराट कोहली, उनके अहलिया अनुष्का शर्मा, शिखर धवन समेत कई क्रिकेट हस्तियां फिरोजशाह कोटला पहुंची। इस दौरान एक प्रोग्राम के जरिए फिरोजशाह कोटला क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। स्टेडियम में क्रिकेटर विराट कोहली के नाम से एक स्टैंड भी बनाया गया है। अरुण जेटली 1999 से 2013 तक DDCA के प्रेसिडेंट रहे। दिल्ली में क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाने में उनका बड़ा ताउन रहा। विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, ईशांत शर्मा, आकाश चोपड़ा, विजय दहिया उन्हीं के दौर के खिलाड़ी। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुकरबा चौक पर एक ट्रक ड्राइवर का 2,500,000 रुपए का चालान कटा। ये अब तक का सबसे बड़ा चालान है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने कहा कि कागज दिखाकर चालान की रकम कम हो सकती है। ट्रक ड्राइवर से 56,000 ओवरलोडिंग के लिए, 5,000 ड्राइविंग लाइसेंस न होने के लिए और 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए गए। बढ़ते खबरों में आगे, पुणे में गणपति पंडाल हिंदू और मुस्लिम दोनों की तवज्जो का मरकज है। हिंदू और मुस्लिम दोनों इस पर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पुणे के एक मंडल ने यहाँ की मशहूर दरगाह कमर अली दरवेश की हूबहू बारगाह बनाई है, जिसमें दरगाह के अंदर और बाहर दोनों का नक्शा तैयार किया गया है।
पंडाल के बाहर गणपति की मूर्ति रखी गई है। समाज में फिरकावाराना हम आहंगी कायम करने की इस कोशिश का हिंदू और मुस्लिम खैर मकदम कर रहे हैं। उन्हें क्या सोचा कि जिस दिन कोई बीमार रहता है उसको खून की जरूरत होती है, वो पूछते हैं क्या ये हिंदू है का मुसलमान है, ऑपरेशन करने वाले से पूछते हैं क्या खून किसका है, पूछते हैं क्या कोई नहीं। तो इस हिसाब से उन्हें क्या सोचा कि अगर इधर दरगाह बनाएंगे तो है हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक होगा। अभी देखा हुआ देखने के लिए ज़्यादातर लोग मुस्लिम जाते नहीं थे, अभी दरगाह बनने के बाद उनका जो देखने का दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा कि अपना भी उधर कुछ तो है, अपने लिए भी कोई तो है। ये बात उनमें समझ में आने के बाद अभी आप सोचिए ना, इधर से सब कौम नीचे सब मुस्लिम ही रहे, वो आते जाते हम लोग को बात कर रहे हैं या अच्छा बनाए या ऐसा बनाए, कोई मदद चाहिए तो बोलो हम आते हैं, ये सब वो बोल रहे। तो इसका मतलब कैसे कि उनके हमारे साथ जो नज़दीक है वो और बढ़ने लगे। तो सामाजिक बांधिल के अपन जो बोल रहे वो उसमें ये बहुत अहम हिस्सा हो गया जो गणपति उत्सव में दरगाह। मैं यहाँ पूना के पास कस्बा पेट में प्रभात प्रतिष्ठान में आया हूँ। इन्होंने हजरत कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह जो हिंदू मुसलमान का एकते का प्रतीक है, जहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ हिंदू मुस्लिम मिलके बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। जमीतुल माहिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी ने फिर से कश्मीर के मामले पर अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा है कि कश्मीर मामले में पाकिस्तान की दखलअंदाजी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मौलाना महमूद मदनी ने नारसी मामले में कहा कि उन्होंने सरकार पर तंज कसा था क्योंकि मुसलमानों को इस मामले में शक की निगाह से देखा जाता है। हमारे दिल्ली के नुमाइंदे शुएब रजा ने महमूद मदनी से इस बाबत खास बातचीत की। हमारे साथ जमीयतुल माहिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी साहब मौजूद है। मदनी साहब, कल जो तजावीज़ पेश हुई और पास भी हुई, खासतौर पर जो तजवीज़ आपने पढ़ी कश्मीर को लेकर, उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस समाजी तौर पर भी और मीडिया में भी रहा, लेकिन कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमानों को आगे आकर कश्मीर मसले पर सफाई देनी क्यों पड़ती है बार बार, और क्यों हिंदू मुस्लिम से उसको जोड़ दिया जाता है कश्मीर मामले को। इसकी ज़रूरत भारत के इंटरनल लिहाज से तो कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम बोल नहीं रहे थे, लेकिन पड़ोस ने इसको इशू बना दिया, और सिर्फ प्रोपेगेंडे का इशू नहीं बनाया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं प्रोटेक्शन वाली, उनको सबके साथ उनके बीच में ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि भारत के मुसलमानों को का अलगाव दिखाने की कोशिश की। तो मुझे और हमारे साथियों को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये महसूस हुआ कि ऐसे वक्त में हमें खामोशी नुकसानदेह होगी और ये ठीक नहीं होगा, इससे मेरे देश का भी नुकसान हो सकता है, इसलिए खड़े हुए और जोर से खड़े हुए। आपका जो बयान है उसको क्या माना जाए, देश भर में जो एनआरसी वो एक तंज था, चैलेंज के तौर पर आपने कहा सरकार से, या फिर आप चाहते हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू हो? देखिए, सरकार से तो हम कोई चैलेंज नहीं चाहते, लेकिन वो तंज है, इसलिए कि उंगली मेरी तरफ उठाई जा रही है घुसपैठिया कह के, तो मैं ये चाहता हूं कि उनकी उस एक उंगली के बजाय अपनी चार उंगलियों को देखें जो उन्हीं की तरफ है। सवाल मदरसा मॉडर्नाइजेशन को लेकर है, जो तजवीज पेश हुई कि 12वीं तक मदरसों में भी तालीम दी जाए, ऐसा हुआ है। जमीयत उलमा अब से नहीं 30-40 साल से ये कोशिश कर रही है कि मदरसे वालों से ये कहें कि आप प्राइमरी तक हर बच्चे को लाजमी तौर पर एजुकेट करें और प्राइमरी के सर्टिफिकेशन का भी अरेंजमेंट करें। उसका नतीजा यह हुआ कि 3000 से जायद मदरसे जो हमारे लोग चलाते हैं वो प्राइमरी स्कूल के साथ चलते हैं, और उन 3000 में से भी कई सौ मदरसे ऐसे हैं जो प्राइमरी से ऊपर उठकर सेकेंडरी तक भी चले गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सब मदरसे अपना सिलेबस, एग्जिस्टिंग सिलेबस को बाकी रखते हुए ऐसा डिजाइन करें कि जब मौलवियत कंप्लीट हो, ग्रेजुएशन पूरा हो, तो उसके साथ साथ सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12वीं तक का
سرٹیفکیٹ بھی ہو اور قابلیت بھی ہو بچے کے اندر. تو محمود مدنی صاحب جنہوں نے اپنی بات کو رکھا اور کل جس طرح سے جو تجاویز تھی وہ پیش بھی کی گئے اور پاس بھی خاص طور پر کشمیر کو لے کر اس کی ہر طرف اس کا جو پوزیٹیو رسپانس آیا ہے. تو مدنی صاحب کا یہی کہنا ہے کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے, اس لیے کوئی بھی ملک بھارت کے مسلمانوں کو کسی طرح کی صلاح دینے کی کوشش نہ کرے. کیمرہ مین بلونت کے ساتھ زی میڈیا کے لیے دلی سے میں شیو رضا.